सिंगरौली बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी के सत्ता पे आने पर बीजेपी नेताओं के ऊपर हो रहे हमले हत्याओं के विरोध में सिंगरौली जिले के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया, जिनमें बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, सांसद रीति पाठक सहित सभी विधायकों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भाजपा के इस सांकेतिक प्रदर्शन पर विपक्षी पार्टी के नेताओं, कांग्रेस के युवा नेता प्रवीण सिंह चौहान, भास्कर मिश्रा व आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव संदीप शाह ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देखें ये रिपोर्ट। कल प्रभारी मंत्री जी का जिले में आगमन हुआ था, आपदा प्रबंधन की बैठक आहूत की गई थी। उक्त बैठक में जिले के समस्त विधानसभा के विधायकगण, सांसद महोदया, कलेक्टर महोदय एवं समस्त अधिकारीगणों के समक्ष यह बैठक ली गई। इस बैठक में सिंगरौली जिले में बेतहाशा बढ़ते COVID-19 के मरीजों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि 4 मई से लेकर के 15 मई तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, जितने भी वैवाहिक कार्यक्रम थे, सब पर रोक लगा दी गई। कलेक्टर महोदय के द्वारा यह सख्त आदेश जारी किया गया कि जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम हैं, जितने भी वैवाहिक कार्यक्रम हो, जो भी कार्यक्रम है, समस्त कार्यक्रमों को निरस्त किया जाता है। इन तमाम सांसद विधायक के समक्ष यह आदेश जारी किया गया, उनकी सहमति से जारी किया गया। लेकिन आज की जो घटना है, आज का जो कृत्य है, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी की सांसद और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता विधायकगण उस कानून की धज्जियां उड़ाते हुए और तमाम संख्या बल के साथ जगह जगह पर धरना प्रदर्शन किए। ये कृत्य उनका शर्मसार करता है और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के मुंह पर तमाचा मारने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सांसद ने, विधायक ने किया है। कि जहां एक तरफ लोगों की शादी ब्याह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वैवाहिक कार्यक्रम, समस्त कार्यक्रम निरस्त हैं, लोग अपने घरों में लाखों रुपए लगा करके वैवाहिक कार्यक्रमों को निरस्त करके बैठे हुए हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, खुलेआम राजनीतिक तमाशे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम आज धरना प्रदर्शन का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रखा गया था, वह अत्यंत निंदनीय है। जो सांसद धरने प्रदर्शन में तो उपस्थित है, दिख रही हैं, लेकिन जनता के बीच कहीं नहीं दिख रही है। सांसद और विधायक केवल सरकारी पैसा, विधायक निधि, सांसद निधि दे करके दानदाता बने हुए हैं और जनता त्राहिमाम मचा हुआ है सिंगरौली जिले में। प्रदेश के अंदर कोरोना इतना व्यापक स्तर पर फैल रहा है, महामारी फैली हुई है। हॉस्पिटलों के अंदर बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है और लोग जनता देश की तरह ही मचा हुआ है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं अभी कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ तो उसका रिजल्ट आया, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का बुरी तरीके से सफाया हुआ। उसके खिलाफ में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी के तहत मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में हमारे जिले के अंदर यहाँ के जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, रामलाल उवैस और यहाँ के सांसद रीति पाठक कल धरना प्रदर्शन कर रही है, जहाँ पे संपूर्ण लॉकडाउन है, जहाँ पे लोग, किसान जिनकी सब्जियां तैयार है वो बेचने मार्केट लेकर जा पा रहे हैं, जो मजदूर तबका है वो रोजी रोटी के लिए तरस रहा है, कोई कहीं भी कोई काम नहीं कर पा रहा है। संपूर्ण लॉकडाउन में भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, विधायक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते, आम आदमी पार्टी प्रतिनिधि होने के नाते हम आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और उनके नेताओं के ऊपर शासन पुलिस चौकी में जा करके आवेदन देंगे, FIR दर्ज करवाएंगे कि इनके ऊपर जितने लॉकडाउन उल्लंघन का जितना मुकदमा होता है, पिछले साल मेरे ऊपर भी लॉकडाउन उल्लंघन का एक प्रदर्शन किए थे, मुकदमा कायम किए थे, तो हम आज जाकर के शासन पुलिस चौकी में अपने टीम के साथ, सीमित साथियों के साथ जाकर के आवेदन देंगे, मुकदमा कायम करें। मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है सिंगरौली जिले के SP चौकी प्रभारी तत्काल उनके ऊपर मुकदमा FIR दर्ज करेंगे, नहीं तो आगे हम कोर्ट जाने के लिए मजबूर होंगे। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की ये रिपोर्ट।